हेलो स्टूडेंट्स वेलकम टू अभिमन्यू आई ए एस माई नेम इज़ रिश योर फैकल्टी ऑफ इंग्लिश एंड आई होप यू ऑल आर डूइंग फाइन आई होप दैट यू हैव स्टार्टेड योर प्रिपरेशन एंड यू आर प्रिपेयरिंग वेल फॉर योर एग्जामिनेशन उसी प्रिपरेशन को हम आगे बढ़ाते हुए ठीक है आपके लिए अभ्यास 2.0 पॉइंट हमने लॉन्च कराया है जिसमें कि हम आपको हेल्प करेंगे आपके एग्जामिनेशन को क्रैक करने के लिए ओके सो लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस करा था आपका एग्ज़ाम ट्वेंटी uh, ट्वेंटी में जो एच का एग्जाम आया था स्पेशली जो इंग्लिश का पोर्शन था उसको हमने डिस्कस करा था ठीक है कॉम्प्रीशन की बेस में आपके क्वेश्चन ज़्यादा करके कॉम्प्रीहशन ही आपसे पूछा जाता है राइट right? तो उसी को मद्देनजर रखते हुए हमने पहले स्टार्ट करे हैं आपके लिए प्रीवियस क्वेश्चन सो दैट आपको एक आइडिया सा लग जाए यू हैव दैट आइडिया कि किस टाइप के क्वेश्चन आएंगे क्या लेवल है ठीक है फिर बाद में हम उनकी प्रैक्टिस भी करेंगे उसी हिसाब से ओके सो ट्वेंटी ट्वेंटी थ्री में अराउंड जो आपके कॉम्प्रीहशन से क्वेश्चन आए थे अराउंड फाइव क्वेश्चन थे वो ठीक है सॉरी uh, फाइव नहीं uh, वो आपके क्वेश्चन से अराउंड नाइन टू टेन क्वेश्चन के आसपास थे ओके नाइन टू टेन क्वेश्चन थे एंड uh, जो अभी ट्वेंटी ट्वेंटी टू का पेपर है इसमें अराउंड सिक्सटीन क्वेश्चन आपको आपके पेपर में आए थे ठीक है तो मैंने इसको डिवाइड कर दिया दो पार्ट्स में इसमें हम लोग अराउंड नाइन क्वेश्चंस एट क्वेश्चंस आपके डिस्कस करेंगे और एट क्वेश्चन आपके नेक्स्ट सेशन में डिस्कस करेंगे क्योंकि कॉम्प्रेंशन है उसको रीड करना वो थोड़ा सा लेंदी हो जाता है दैट्स दैट्स आई हैव डिवाइडेड दिस पर्टिकुलर पेपर इन टू सेक्शन टू पार्ट्स इन विच आई विल बी डिस्कसिंग द सेकेंड पार्ट लेटर ऑन ओके तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं हमारा ये सेशन ठीक है और जिसको भी इसके बारे में पता नहीं अभ्यास टू पॉइंट ये आपके एग्जामिनेशन को मद्देनजर रखते हुए हमने हमारी टीम ने लॉन्च करा है ठीक है और आपके लिए सबसे अच्छी चीज ये है कि अभी पीडिया अभी मैं नई आपको प्रोवाइड करवा रहा है एंड द कोर्स फॉर द सेम इज थर्टी फाइव थाउजेंड ओके तो इसको आप अवेल कर सकते हैं एंड चलिए फिर हमारा आज का ये सेशन करते हैं स्टार्ट आप इसको थोड़ा सा पोज करके पहले पढ़िएगा कॉम्प्रिशन को अब मैंने आपको बताया था कि कॉम्प्रिहेंशन पढ़ने से पहले आपको क्या करना है कुछ चीजें मैं फिर से आपको रिमाइंड करवाना चाहता हूँ फर्स्ट थिंग यू आर रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन दैट यू नीड टू फर्स्टली रीड द क्वेश्चन रीड क्वेश्चन फर्स्ट ठीक है देन उसके बाद सेकेंड पॉइंट आपका कॉम्प्रीहेंशन को रीड करिए अब को रीड करा तो उसके बाद में आपको क्या करना है keywords को नोट करना है राइट कीवर्ड्स कीवर्ड्स को नोट करिए ठीक है, है? पढ़िए पे पे आपको ये दिखते जाते हैं right? तो है नहीं कि आपका ऑनलाइन एग्जाम uh, होगा तो मुश्किल हो जाएगी ऑफलाइन एग्जाम है क्वेश्चंस ओके थर्ड थिंग आपने की को नोट कर लिया कॉम्प्रीहशन पढ़ा साथ में जो की आपको दिखते गए उनको नोट डाउन करते गए थर्ड थिंग इज वापिस से फिर क्वेश्चन पर आइए और अपने क्वेश्चन को फिर सॉल्व करना स्टार्ट करिए ओके सो दिस शुड बी द राइट स्ट्रेटजी दिस इज दिस इज द राइट स्ट्रैटजी टू सॉल्व कॉम्प्रीहेंशंस ओके और इसी को मद्देनजर रखते हुए हम आज इसी तरीके से कुछ इसकी प्रैक्टिस करेंगे ओके okay? चलिए फिर फटाफट से हम एक लुक डालेंगे क्वेश्चन पे जैसे कि फ्रॉम द लाइन्स दीज ग्रेन्स रिमेन लार्जली रैशनल दीज गेंस रिमेन लार्जली नेशनल बिकॉज मोस्ट पीपल कैन नॉट मूव कुछ गेंस की बात हो रही है ठीक है तो मैं यहां पे फर्स्ट क्वेश्चन का कीवर्ड मैं नोट कर लूंगा यहाँ पे गेंद्स ठीक है ऐसे करके नंबरिंग डाल दूंगा मैं और फर्स्ट का कुछ कीवर्ड्स था गेंस ठीक है सेकंड का मेरा कीवर्ड देखते हैं द स्टेटमेंट फ्रॉम द पैसेज गेम्स फॉर इमिग्रेंट्स डू नॉट कम एट एक्सपेंस ऑफ होस्ट कंट्रीज कुछ होस्ट कंट्रीज की बात हो रही है यहां पे ठीक है सो so, मेरा जो फटाफट से मैं इसको नोट करूंगा सेकंड के लिए मैं डाल दूंगा होस्ट कंट्रीज है ना होस्ट कंट्रीज की बात हो रही है पहले इनको सॉल्व कर लें फिर अभी ये तो मुझे याद ही हो जाएगा कि फर्स्ट में मैंने कुछ गेम्स के रिलेटेड मैंने एक कीवर्ड नोट करा था सेकंड में मेरा कुछ होस्ट कंट्रीज से रिलेटेड एक कीवर्ड मुझे मिला था ठीक है तो इसको मैं फॉर द टाइमिंग साइड में इसको इरेज ही कर देता हूँ ठीक है चलिए द रिच हैव मैनी एसेट्स द पुअर हैव ओनली वन देयर लेबर बिकॉज गुड जॉब्स आर स्लो टू कम टू पुअर द पुअर मस्ट मूव टू फाइंड प्रोडक्टिव एम्प्लॉयमेंट कि जो बोलता है जो बिकॉज गुड जॉब्स जो हैं वो मुश्किल से मिलती हैं थोड़ी स्लोली आती हैं पुअर के पास में ठीक है सो द पुअर मस्ट मूव टू फाइंड प्रोडक्टिव एम्प्लॉयमेंट Migration is therefore the most effective way to reduce poverty and share prosperity. The twin goals of the World Bank. Not surprisingly, all development experiences and growth episodes in history have involved a reallocation of labor across space and sectors within countries. According to the Moving for Prosperity Global Migration and Labor Markets, however, some of the biggest pains. सॉरी बिगेस्ट गेन्स अब ये गेन्स की बात कर रहा है यहां पे जो मैं फर्स्ट क्वेश्चन में हमने पढ़ा था राइट सम ऑफ द बिगेस्ट गेन्स फ्रॉम द मूवमेंट ऑफ पीपल बिटवीन कंट्रीज क्या है वो बिटवीन कंट्रीज माइग्रेंट्स इनकम्स इंक्रीज थ्री टू सिक्स टाइम्स व्हेन दे मूव फ्रॉम लोअर टू हायर इनकम कंट्रीज दिस गेन्स रिमेन लार्जली नेशनल या नेशनल है सॉरी शायद से नोशनल बिकॉज मोस्ट पीपल कैन अच्छा नेशनल होगा यहाँ पे वैसे ठीक है बोलता है जो ये गेंस हैं ये मैक्सिमम जो गेंस होते हैं वैसे नेशनल ही रहते हैं क्योंकि काफ़ी ज़्यादा लोग जो होते हैं वो आउट ऑफ कंट्री मूव नहीं कर पाते जैसे फॉर एग्जाम्पल एक एग्जाम्पल देता हूँ बिहार के लोग जैसे तो वो क्या करेंगे बड़ी स्टेट्स में आ जाएंगे ठीक है जैसे कि मुंबई हो गया डेली हो गया है ना जहाँ पे ऑक्यूपेशन ज़्यादा है ठीक है तो उसी चीज को बोल रहा है कि जो मैक्सिमम गेन होता है वो हमारी कंट्री में ही रहता है ऐसा नहीं कि बाहर से चला जाएगा है ना कोई बाहर क्योंकि हर बंदा बाहर मूव नहीं कर सकता राइट right? बोलता है फिर ओनली अबाउट थ्री परसेंट ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन लिव इन लिव इन कंट्री इन विच वर नोट बोर्न बोलता है ओनली थ्री परसेंट ऑफ द पीपल ठीक है ओनली थ्री परसेंट है जो दूसरी कंट्री में रहते हैं जहां पे वो बोर्न नहीं हुए हैं राइट right? प्रपोर्शन दैट हैज नॉट चेंजड मच ओवर सिक्स डेकेड ओके ऑफ अदरवाइज अनप्रेसिडेंटेड नाउ वॉट इज द मीनिंग ऑफ अनप्रेसिडेंटेड द मीनिंग ऑफ अनप्रेसिडेंटेड इज जो कभी पहले नहीं हुआ है ठीक है एकदम से अचानक कुछ हुआ ठीक है अनप्रेसिडेंटेड ग्लोबल इंटीग्रेशन वाया ट्रेड इन्वेस्टमेंट हो गया एंड नॉलेज फ्लोज डिस्टेंसिस इन स्पेस कल्चर एंड लैंग्वेज आर इन हेयर एंड इम पेडिमेंट इम पेडिमेंट होता है अवरोध ठीक है जो किसी किसी को रेजिस्ट करता है रोकता है राइट इम पेडीमेंट्स ठीक है टू मोबिलिटी द मोस्ट इंपॉर्टेंट बैरियर्स आर हाउ एवर नेशनल बोर्डर्स ठीक है द गेन्स फॉर इमीग्रेंट्स ठीक है डू नॉट कम एट द एक्सपेंस ऑफ होस्ट कंट्रीज अब हमने होस्ट कंट्रीज से रिलेटेड कुछ पढ़ा था नाउ वट आई टोल्ड यू की जब भी, भी जैसे ही आपको दिखता है ना ठीक है जैसे ही आपको मुझे यहाँ पे कुछ गेम्स तो रिलेटेड से हाईलाइट कर लेता है ऐसे ही आपको वहां पे पेन से अपने पेंसिल जो भी आपके पास में होगा उससे आप उसको हाईलाइट कर लेंगे सो so दैट आपका टाइम सेव हो जाए ठीक है द गेम्स फॉर इमिग्रेंट्स डू नॉट कम एट द एक्सपेंस ऑफ होस्ट कंट्रीज बिकॉज द होस्ट बेनिफिट फ्रॉम द मेंट्री स्किल्स दैट इमिग्रेंट्स ब्रिंग मतलब ऐसा नहीं कि जो होस्ट कंट्रीज जैसे यूएस हो गया ठीक है यूके हो गया कैनेडा हो गया अब कहा से मिलता? इनको क्या होता है benefit? हमारे जो लोग जाते हैं काम करने के लिए एक तो एज कंपेयर टू वहां की लेबर जो होगी या जो भी लोग होंगे उनके कंपेरिजन में यहाँ के लोगों की लेबर उनको सस्ती पड़ती है राइट right? तो यह उनके लिए कॉम्पलीमेंट है राइट कॉम्प्लीमेंट्री को उनको जो बेनिफिट मिलेगा वैसे मिलेगा राइट right? अब जो हमारे यहाँ से लोग जाते हैं उनके लिए क्या है एज कंपेयर टू इंडिया वो जो वहां पर पैसे लेते हैं वो उनको ज्यादा लगता है राइट क्योंकि जब इंडिया में इंडिया की करेंसी में उसको कन्वर्ट करेंगे तो उसके हिसाब से ऑब्वियसली ज्यादा है बट वहां की लेबर के हिसाब से जो एवरेज लेबर है ठीक है उसके हिसाब से उनको यूके वालों या यूएस वालों को वो हमारी लेबर सस्ती पड़ती है राइट तो अल्टीमेटली दोनों के लिए विन विन सिचुएशन है ये ठीक है तो यही चीज बता रहा है एंड uh, आगे बोलता है ऑलमोस्ट एवरी एम्पीरिकल स्टडी अब एम्पीरिकल का मतलब क्या होता है बताएगा कोई एम्पीरिकल का मतलब बताइए सो ऑलमोस्ट एवरी एम्पीरिकल स्टडी फाइंड्स दैट इंक्रीज लेबर मोबिलिटी लीड्स टू लार्ज गेन्स फॉर द इमिग्रेंट्स एंड पॉजिटिव ओवरऑल गेन्स फॉर द डेस्टिनेशन कंट्री ठीक है दैट क्रिएट्स अ पजल द कंपेलिंग इकोनॉमिक एविडेंस ऑन द इकोनॉमिक गेन्स एंड सोशल बेनिफिट्स ऑफ माइग्रेशन सिट्स ऑकवर्डली विद स्टार्क पोलिटिकल टू इमीग्रेशन ठीक है फिर बोलता है रेस्पोंडेंट्स टू पोलिटिकल अबाउट टू पोलिटिकल ओपिनियन पोल्स रेट द अरावल ऑफ इमिग्रेंट्स इन दियर कंट्रीज एज वर्स्ट फियर ठीक है फिर बोलता है सिटीजन वर्ड अबाउट वट माइग्रेंट्स एंड रेफ्यूजीज जो सिटीजनस हैं उनको डर लगा रहता है कि वट माइग्रेंट्स एंड रेफ्यूजीज वुड डू टू जॉब्स एंड वेजिस फिर बोलता है एज अमंग एज वेलफेयर प्रोग्राम क्राइम्स स्कूल्स एंड देयर नेशनल आइडेंटिटी ठीक है वो भी उनको लगता है कि हाँ अपने साथ में क्या लेके आएंगे ठीक है क्योंकि क्यों, एक रिस्क होता है जब भी, भी बाहर से लोग किसी कंट्री में काम करने आते हैं राइट फ्रस्ट्रेटेड बाई द पब्लिक्स डिसरिगार्ड ऑफ देयर एम्पेरिकल फाइंडिंग्स मैनी इकोनॉमिस्ट एट्रीब्यूट पोलिटिकल अपोजिशन टू कल्चरल एंड सोशल फैक्टर्स इंक्लूडिंग जेनोफोबिया नाउ वट इज द मीनिंग ऑफ जेनोफोबिया

या फिर थ्योरेटिकली माइग्रेशन इज लाइकली टू लुक लाइक अ बून टू मैनी तो हमने एक चीज पढ़ी थी ना कि जब हम हमने देखा था कि एक लाइन में यहां पर यह देखिए गेन्स रिमेन लार्जली नेशनल बिकॉज मोस्ट ऑफ पीपल कैन नॉट मूव ओनली अबाउट थ्री परसेंट ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन लिव इन अ कंट्री इन विच दे वर नॉट बोर्न ठीक है एंड uh, फिर हमने एक चीज देखी थी कि अराउंड थ्री टू सिक्स परसेंट एक मिनट बिटवीन uh, कंट्रीज ठीक है ठीक uh, है माइग्रेंट एक हो यहां देखा था ना माइग्रेंट्स इनकम इंक्रीज थ्री टू सिक्स टाइम्स व्हेन दे मूव फ्रॉम लोअर टू हाइयर इनकम कंट्रीज ठीक है तो अब देखिए इस क्वेश्चन में ऐसा तो है नहीं कि दीज गेंस रिमेन लार्जली नोशनल वैसे नोशनली बता रहा है नोशनल बिकॉज मोस्ट पीपल कैन नॉट मूव तो uh, क्या बोलता है कि पीपल आर मेड टू मूव टू अदर कंट्रीज अगेंस्ट देयर विशेज या फिर थियोरेटिकली माइग्रेशन इज लाइकली टू लुक लाइक अ बून टू मैनी

और इसका होता है बेन बेन होता है अभिशाप और बून होता है बरदान राइट इस चीज को याद रखिए तो ये इसका राइट right आंसर हो जाएगा रखिएगा सो फ्रॉम द लाइंस ठीक है इसका मीनिंग क्या जाता है कि थियोरेटिकली माइग्रेशन इज लाइकली टू लुक लाइक अ बून टू मैनी बून मतलब बरदान बेन मतलब अभिशाप ठीक है बी इज द राइट ऑप्शन ओके बी इज द राइट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है कि फ्रॉम द स्टेटमेंट ऑफ द फॉर इमिग्रेंट्स डू नॉट कम एट होस्ट कंट्रीज इसका क्या मीनिंग होता है होगा इसमें कि इमिग्रेंट्स कैन मेक अ कंफर्टेबल लिविंग ओनली इफ दी होस्ट कंट्री एग्री या फिर इमिग्रेंट आर कॉन्ट्रीब्यूटिंग टू दी होस्ट कंट्रीज एंड नोट दर वे या फिर दी होस्ट कंट्रीज डो नॉट है टू अकोमोडेट इमिग्रेंट या फिर द हो कंट्रीज विल हैव टू स्पेंड अ लोट ऑफ देर रिसोर्स टू मेंटेन ये तो गलत हो जाएगा ना ऐसा तो है नहीं कि अब यूएसए में अगर इंडियंस जा रहे हैं वहां पर तो यूएसए वाले वहां पर हमारे लोगों पर बहुत ज्यादा रिसोर्स के लिए पैसा खर्च कर रहे हैं ऐसा तो है नहीं इसको एलिमिनेट करो इमिग्रेंट्स कैन मेक अ कंफर्टेबल लिविंग ओनली होस्ट कंट्रीज एग्री या फिर इमिग्रेंट्स आर कॉन्ट्रीब्यूटिंग टू होस्ट कंट्रीज एंड नोट दी अदर वे ये भी नहीं होने वाला है अब दो ऑप्शन में हमारी टसल बस्ती है फर्स्ट ऑप्शन एंड थर्ड ऑप्शन थर्ड ऑप्शन देखो बोलता है होस्ट कंट्रीज डू नॉट हैव टू मेक एनी सेक्रीफाइस अब अगर देखा जाए तो डू नो होस्ट कंट्रीज अपने ऐसा तो है नहीं कि कोई इंडियंस जाएगा या कोई भी जाएगा तो उनके लिए बड़े रूल्स चेंज करेंगे है ना वो कोई बड़ा सेक्रीफाइस नहीं करते हैं सो so, यही इसका जो पर्पज जाएगा कि जो द गेंस फॉर इमीग्रेंट डू नॉट कम एट द एक्सपेंस ऑफ कंट्रीज मतलब कि कोई ऐसा सेक्रीफाइस नहीं करती कि जिसकी वजह से ही हमारे इमिग्रेंट्स को गेन होता है ऐसा कुछ नहीं है सो द राइट ऑप्शन इज ऑप्शन सी लेट सी आंसर होगा सो सी इज द राइट आंसर

डिसरिगार्ड, एम्पिरल या फिर एम्पीरिकल का मतलब होता है फैक्चुअल, ठीक है याद रखियेगा जेनोफोबिया का, मतलब okay? का मतलब होता है जो जो लोग फॉरनर से जिनको फोबिया होता है ठीक है उसको बोलते हैं जेनोफोबिया फोबिया फ्रोम फोरनर या दीप पीपल ऑफ अदर पीपल ऑफ अदर कंट्री राइट सो डिसलाइक या फिर प्रेजिड्यूस अगेंस्ट पीपल फ्रॉम अदर कंट्रीज उसको बोलते हैं जेनोफोबिया, क्लियर? सो ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर, ठीक है ऑप्शन डी का राइट आंसर हो गया फोर्थ क्वेश्चन देखिए अभी बोले विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी इन्फर्ड फ्रॉम द मीनिंग फ्रॉम द सेंटेंस बिकॉज गुड जॉब्स आर स्लो टू कम टू पुअर पोअर मस्ट मूव टू फाइंड प्रोडक्टिव एम्प्लॉयमेंट हमने स्टार्टिंग में ये लाइन पढ़ी थी कि जो अच्छी जॉब्स हैं वो गरीबों के पास थोड़ी स्लो आती हैं सो दैट्स वाई दे दे नीड टू मूव टू फाइंड प्रोडक्टिव एम्प्लॉयमेंट इसका क्या मीनिंग जाएगा प्रोडक्टिव एम्प्लॉयमेंट इज नॉट इन द रीच ऑफ द लोकल्स फ्रॉम द होस्ट कंट्रीज या फिर इकोनॉमिकली साउंड पीपल हैव ग्रेट चांसेस ऑफ फाइंडिंग ल्यूक्रेटिव जॉब्स या फिर टू फाइंड प्रॉफिटेबल एम्प्लॉयमेंट वन शुड नॉट बी एन इमिग्रेंट इन होस्ट कंट्री ये तो नहीं होने वाला पुअर पीपल हैव नो चांस ऑफ़ गेटिंग जॉब इन कंट्री ऐसा भी नहीं है बताइए क्या इसका आंसर हो सकता है क्या पुअर जो लोग हैं क्या उनके पास चांस नहीं है गेटिंग अ ल्यूक्रेटिव जॉब नाउ वॉट इज एजुकेशन इज समथिंग ठीक है अलॉट ऑफ पीपल इट कि गरीबी का लिब्रेटिव जॉब के साथ में कोई रिलेशन नहीं है राइट इफ यू हैव दैट टैलेंट इफ यू आर हार्ड वर्किंग राइट सो यू कैन अचीव वट एवर यू वॉन्ट टू अचीव ठीक है सो इट हैज बीन प्रूव बाई लॉट ऑफ पीपल बाई काफी हमारे ठीक है इवन वी कैन से हमारे प्रेजिडेंट डॉक्टर ए पी जे अब्दुल कलाम ठीक है ही वॉज द ग्रेटेस्ट एग्जाम्पल आई हैव एवर सीन राइट सो वी से कि पुअर पीपल दे डू नॉट हैव एनी चांस ऑफ गेटिंग लिबरेटिव जॉब इसको भी एलिमिनेट करेंगे द थिंग इज कि बोलता है इसका जो राइट right आंसर होने वाला है ऑप्शन बी क्योंकि इकोनॉमिकली साउंड पीपल हैव ग्रेटर चांसेस चांसेस ज्यादा होते हैं बट ऐसा तो नहीं है कि गरीबों के पास चांसेस ही नहीं है चांसेस ज्यादा होने में और देर इज नो चांस ठीक है इसमें डिफरेंस है सो so, ऑब्वियसली जो इकोनॉमिकली साउंड जिनके पास पैसा ज्यादा है उनके पास ज्यादा चांसेस हैं ऑफ फाइंडिंग अ ग्ल्यूक्रिएटिव जॉब्स ठीक है सो ऑप्शन बी इज गोइंग टू बी द राइट आंसर आई होप आपने भी इनको साथ में सॉल्व करा होगा एंड हैव दैट एक्सप दैट कॉन्फिडेंस की येस यू कैन डू इट ओके प्लीज़ साथ में इनको सॉल्व करते रहिए ना इस कॉम्प्रीहशन को पढ़ना स्टार्ट करिए एंड uh, इसका एक नेक्स्ट पार्ट भी है ठीक है क्योंकि मुश्किल हो जाता है एक में सो so, इसको पढ़िए साथ में सबसे पहले मैंने आपको बताया इसका क्वेश्चन देखिए ठीक है चलो फर्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं इसका पहले फ्रॉम दू पैसेज आइडेंटिफाई द ट्रू एंड फोल स्टेटमेंट

फिशरी से रिलेटेड हमारा ये टॉपिक रहने वाला है जिसमें कि कुछ उनको कैसे फिशरमैन फिशेस को पकड़ते हैं उसके बारे में बात करी जा रही है राइट लेट्स लेट्स गेट बैक टू द कॉम्प्रिहेंशन एंड द रीड इट फर्स्ट ओके थोड़ा स्किमिंग देखो मैं आपको यहाँ पढ़ा रहा हूं बट द थिंग इज यू हैव टू डू स्किमिंग फर्स्ट फटाफट इसको आपको पढ़ना है कीवर्ड्स को नोट करना है दैट्स ऑल फॉर एग्जांपल मैंने अब जैसे मैं देख रहा हूँ यहाँ पे कि इंडिया एक लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर अबाउट फिश फिशिंग ठीक है फोर्टीन मिलियन पीपल इन फिशिंग ठीक है अराउंड इंक्रीजिंग प्रेशर ऑफ फिश स्टॉक ठीक है कैसे नियरली सेवेंटी परसेंट बाई कैच क्या पकड़ते हैं ठीक है एंड इट मीन अनवॉन्टेड फिश कलेक्टेड बाई फिशिंग वेसल्स इज टिपिकली डिस्कार्डेड टू मेक वे फॉर कमर्शियली इंपॉर्टेंट फिश स्पीशीज नेट्स आर इन वोटर द गैप इन द नेट्स कम्प्रेस लिविंग लिटल रूम फॉर स्मॉलर फिशीज टू एस्केप हाउ एवर द स्क्र अब ये स्क्वेयर शेप नेट की बात कर रहा है हाउ एवर द स्क्र शेप्ड नेट ठीक है जो डायमंड शेप का जो हमारा नेट है जो यूज करते हैं फिशरमैन uh, वो क्या होता है उसमें वो हो जाता है, उसमें जो स्पेस होना चाहिए जिसमें छोटी मछलियां निकल जाए वो स्पेस भी बंद हो जाता है इसलिए वो भी कैप्चर हो जाती है उसमें बट जो हमारा स्क्वेयर शेप नेट है वो अपना जो शेप है उसको मेंटेन करता है पानी में भी जिसकी वजह से क्या होता है सर्टेन लेवल ऑफ फिशेज ही उसमें फंसती हैं और बाकी निकल जाती हैं, ठीक है so it's all about it की, ठीक है किस कैसे और में क्या difference है? फिर बोलता डायमंडर मैश नेट वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन सिंधु दुर्ग रीजन थ्रू पार्टनरशिप बिटवीन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सॉरी गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र एंड यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम यू ठीक है व्हिच एम्स टू डेमोन्स्ट्रेट

इन दिस इम्पोर्टेंट फिश लैंडिंग कल्चर या सेंटर द इनिशियटिव हैज गोन लॉन्ग वे टू इन बिकमिंग समट फिशरमैन है हम एकदम वोम वेलकम करना काइंड kind ऑफ of, है ना गले लगाना इन दियर जर्नी टू सस्टेनेबल मरीन फिशिंग ठीक है सिंस टू थाउजेंड फिफ्टीन एवरी ट्रोलर इन द डिस्ट्रिक्ट नाउ यूज इज स्क्ट्स ओके आगे क्या बोलता है द न्यू टेक्नोलॉजी हैज इंक्रीज इनकम बाई टेन थाउजेंड या फिर वन फिफ्टी टू यू एस डॉलर ईच मंथ बिकॉज डीजल कंजम्शन हैज डिक्लाइन ऑन एन एवरेज कैच ऑफ एटीन किलोग्राम ओके एंड द नेक्स्ट इज एटीन किलोग्राम इट इज एस्टिमेटेड दैट द स्क्लाउज ओवर थ्री के जीज ऑफ जीवन फिश एंड अदर एक्वेटिक मैम्स टू एस्केप राइट विच इज ए गुड थिंग इम्पोर्टेंट फॉर द सर्वाइवल ऑफ द सी क्योंकि अगर छोटी मछलियाँ उसमें पकड़ी जाएंगी तो फिर मुश्किल हो जाएगा राइट right? क्योंकि जो अभी बिल्कुल जीवनइल हैं जि बिल्कुल छोटी हैं जिनको नाक मार सकते या खा भी सकते हैं ठीक है तो उस केस में इस जो नेट का जो रोल है बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है राइट right? And the next is, at first fishermen were worried that the new nets would exclude big fish and their catch would decline. But during the trials, they saw how it worked. The nets are gaining popularity and net, -net makers in the region are now being trained to stitch square mesh nets for use by fishing trawlers along the state. Next witnessing the movement underway in Sindhudurg where over 300 trawlers have adopted new, yeah, for more sustainable uh, fishing practices, Maharashtra is, Maharashtra, Maharashtra's fishery department jo hai, has now issued an order proposing the mandatory use of square, or, uh, square mesh nets for all 17,000 trawlers in the region. Fishermen along India's western coast are now using square mesh nets and practicing sustainable marine. सस्टेनेबल जो लॉन्ग टर्म तक जिसको सस्टेन कर सकते हैं अगर डायमंड नेट का यूज करते रहते हैं तो एक टाइम पे सी का सर्वाइवल मुश्किल हो जाता है right? राइट क्योंकि बैलेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट ठीक है ऐसा नहीं है कि सारी मछलियां ही मार देंगे इस साथ में राइट सो द सर्वाइवल विल बी वेरी डिफिकल्ट फॉर देम ऑल्सो इट इज अर्निंग दैम हायर इनकम्स प्रोटेक्टिव मरीन बायोडाइवर्सिटी एंड पाविंग द वे फॉर पॉलिसी चेंज इन वन ऑफ द कंट्रीज मोस्ट इंपॉर्टेंट फिशिंग कोस्ट फिशिंग कोस्ट लाइन्स ओके दिस वॉज ऑल अबाउट द कॉम्प्रीहेंशन ऑफ लेट्स कम टू द्वेश्चन फर्स्ट क्वेश्चन वॉज हमारा कि ट्रू और फॉल्स बताने हमें ओके अच्छा अब देखिए फिर क्या होगा इसका आंसर ओके okay. बोलते यूजिंग स्क्ट बाई फिश मैन कैन कटेल ओवर फिशिंग एग्जैक्टली ये ट्रू होना चाहिए क्या ये फर्स्ट का ट्रू है फर्स्ट ट्रू है ये फॉल्स है

यहां से देखो बट ड्यूरिंग द ट्रायल्स यहाँ से इंपॉर्टेंट फॉर द द सर्वाइवर एट फर्स्ट फिशरमैन वर दैट न्यू नेट्स वुड एक्सक्लूड बिग फिश स्टार्टिंग में थोड़े वरिड थे बट एंड देयर कैच वुड डिक्लाइन बट मतलब वो जो जितना मछली पकड़ते हैं वो थोड़ा कम हो जाएगा बट जब उन्होंने ट्रायल्स देखे दैन दे हाउ इट वर्क द नेट्स स्टार्टेड गेनिंग पॉपुलैरिटी इट मीन्स वो स्टार्टिंग में थोड़े वरिड थे ऐसा नहीं कि ऑलवेज एंथुजियास्टिक थे सो so, हमारा थर्ड जो है फॉल्स हो जाएगा थर्ड गलत हो जाएगा तो थर्ड गलत किस्में है इसमें ट्रू है इसको भी एलिमिनेट करो इसमें थर्ड हमारा फॉल्स है चलो ये चलेगा ये तो वैसे हमारा एलिमिनेट हो चुका है सो दिस इज हाउ यू नीड टू अप्रोच वाइल यू आर सोल्विंग सच काइंड ऑफ क्वेश्चन योर माइंड शुड बी वेरी वेरी क्लियर ठीक है कि कौन सा आप ऑप्शन जो डील कर रहे हो क्या उसकी जो इंफॉर्मेशन है वो आपके पास में ऐसा नहीं कि कुछ आधी अधूरी इंफॉर्मेशन पढ़ के उसको आप कर दो ठीक है सो so, जो जिसमें आपका आराम से एक नंबर मिलेगा उसमें भी आप नेगेटिव मार्किंग कराओगे राइट ओके अब देखिए ए ट्रू बी ट्रू सी हमारा फॉल्स है ठीक है अब देखिए अब इस ऑप्शंस को ना कंपेयर डिफरेंस दैट इज ऑप्शन ई बोलता इन द नियर फ्यूचर मैनी स्टेट्स आर लाइकली टू इंसिस्ट दैट फिशरमैन आर फिशरमैन यूज नेट्स क्या ये ट्रू होगा बताइए ऐसा तो हमने कहीं पढ़ा नहीं कि इंसिस्ट करने के लिए तो बात जहां तक मुझे लगता है इसमें करी नहीं कही है ना मैंडेटरी ओके महाराष्ट्र फिशरीज डिपार्टमेंट हैज नाउ इशूड एन ऑर्डर प्रपोजिंग द मैंडेटरी यूज ऑफ स्क्र नेट्स फॉर ऑल सेवनटीन थाउजेंड ट्रोलर्स इन द रीजन फिशमेन अलॉन्ग वेस्टर्न कोस्ट आर नाउ यूजिंग स्क्र नेट एंड प्रैक्टिसिंग सस्टेनेबल मरीन फिशिंग इट इज अर्निंग दम हायर इनकम्स इनकम प्रोडक्टिव ओके वापिस आओ इस पे क्वेश्चन पे ओके इन द नियर फ्यूचर मैनी स्टेट्स आर लाइकली टू इंसिस्ट दैट फिशरमैन यूज नेट्स बताइए इसका क्या लगता है आपको महाराष्ट्र ने तो मैंडेटरी कर दिया कि हाँ हर जो भी uh, ट्रोलर है वो नेट का यूज करेगा बट बाकी स्टेट्स की हमने बात नहीं करी ठीक है इंसिस करने की बात बाकी स्टेट्स में नहीं करी गई कहीं हुई ठीक है सो जिसका इसका जो ऑप्शन होने वाला है ऑप्शन डी एक मिनट मैंने बी बोलना था डी बोल दिया जस्ट अ मोमेंट एक मिनट एक मिनट कहाँ चले गए मिनट यहां पे नेट्स गेन स्टार्टेड गेनिंग इन द रीजन ट्रेन टू स्टिच स्कूज सिंधु दुर्ग वेयर ओवर थ्री हंड्रेड ठीक है हाँ इसका ये ऑप्शन बी ही होने वाला है ठीक है क्योंकि इसी से क्या हो रहा है सस्टेनेबिलिटी इंप्रूव हो रही है राइट right? और सस्टेनेबिलिटी इंप्रूव हो रही है तो जिसकी वजह से बाकी स्टेट्स भी इंसिस्ट करेंगी कि नेट्स का ही यूज करा जाए ओके okay? इस चीज को दिमाग में रखिएगा ऑप्शन बी इज गोइंग टू बी द राइट आंसर ठीक है डी बोल दिया था बी होगा बी ओके नाउ क्वेश्चन नंबर सिक्स देखिए बोला विच ऑफ फॉलोइंग कैन बी इन्फर्ड फ्रॉम दिस स्टेटमेंट सिंस टू थाउजेंड एंडरी ट्रोलर इन द डिस्ट्रिक्ट नाउ मेश नेट्स क्या इसका मीनिंग हो सकता है

आफ्टर टू थाउजेंड फिफ्टीन वर अलाउड टू सेल ये तो हमारा वैसे एलिमिनेट हो गया फिशिंग हैज़ बिकम सस्टेनेबल इन सिंधुदुर्ग सिंस टू थाउजेंड एंड इसका ए ही होगा वैसे ठीक है क्योंकि फिशिंग जो थी वो 2015 से ही सस्टेनेबल हुई थी उससे पहले डायमंड जो शेप नेट था उसमें क्या होता था ज्यूवनेल फिशिज को ज़्यादा पकड़ा जाता था ना कि बिफोर 2015 ऐसा तो था नहीं कि ज्यूवनेल की ही सेल ज़्यादा होती थी क्या वो वही मार्केट में डोमिनेट कर रही थी बट द थिंग इज की जो फिशिंग थी वो सस्टेनेबल नहीं थी उससे पहले सो बिफोर टू फिशिंग वॉज नॉट सस्टेनेबल बट आफ्टर टू या फिर सिंस टू जो फिशिंग थी दैट वॉज सस्टेनेबल बिकॉज जो हमारा स्क्वेयर शेप नेट था उसमें क्या था कि जो मार्जिन होता था स्पेस होता था जिसकी वजह से एक जो वहां पे डिजायर्ड साइज होता था फिश फिश का वही उसमें कैच होता था राइट सो ऑप्शन ए इज गोइंग टू बी द राइट आंसर चले फिर नेक्स्ट देखिए ओके बोले विच ऑफ दी फॉलोइंग इन्फ्रेंसेस कैन बी ड्रॉन बेस्ड ऑन द लाइंस कि द न्यू टेक्नोलॉजी हैज इंक्रीज इनकम बाय टेन ईच मंथ बिकॉज

वन डीजल कंजम्पशन एंड जीवन एल फिश कैप्चर इंक्रीज इट इज अनसे मरीन बायोडाइवर्सिटी या फिर ऑल फार्मर्स विल कैप्चर एटलीस्ट ट्वेंटी वन के जी ऑफ फिश बताए बताइए बताइए इसका आंसर सोचिए क्या होगा इसका आंसर इसका मीनिंग क्या बताना है आपको कि क्या इन्फर्ट करेगा ये सेंटेंस हमारा जो नई टेक्नोलॉजी थी इट हैज इंक्रीज इनकम बाय टेन थाउजेंड ठीक है जिसमें ईच मंथ बिकॉज डीजल कंजम्पशन हैज डिक्लाइंड ऑन एन एवरेज कैच ऑफ एटीन किलोग्राम इट इज एस्टिमेटेड दैट द स्क्वेयर मैश अलाउज ओवर थ्री के ऑफ जीवनल फिश एंड अदर एक्वेटिक मेमल्स टू एस्केप ठीक है बताइए

ठीक है इट इज़ अनसेफ फॉर मरीन डाइवर्स मरीन बायोडाइवर्सिटी कि जब क्या था कि जब डीजल की कंजम्पशन भी ज़्यादा हो रही थी और जो जबनल फ़िश थी वो भी ज़्यादा कैप्चर हो रही थी सो इट वॉज़ हार्मफुल फॉर बायोडाइवर्सिटी ऑफ सी क्यों क्योंकि इन्होंने बताया डीजल कंजम्पशन कम हुआ तो इससे क्या होगा बायोडाइवर्सिटी के लिए वो चीज़ अच्छी है जिवेनल फ़िश कम कैच होगी तो वो भी चीज़ बायोडाइवर्सिटी के लिए अच्छी है सो दैट इज वाई ऑप्शन सी इसका राइट आंसर जाएगा ठीक है बी हो सकता था और सी बी हो सकता था बट द फाइट वॉज यहां पे बी में देखो उन्होंने लिखा है कि स्क्वेयर बैच नेट्स आर प्रोफिटेबल बट ये क्या बोलना चाहता है कि जो नई टेक्नोलॉजी है इसने क्या इंक्रीज करी है इनकम इंक्रीज करी है ठीक है और डीजल कंजम्पन भी डिक्लाइन हुई है और थ्री के जी ऑफ जो फिश है जो कि जिवेनल फिश है वो उसमें से एस्केप कर सकती है जिसकी रिक्वायरमेंट भी नहीं है कैच करने की राइट

या फिर सेकंड ऑप्शन महाराष्ट्र फिशरी डिपार्टमेंट हैज नाउ इश्यूड एन ऑर्डर प्रपोजिंग द मैंडेटरी यूज ऑफ स्क्र मैशनेट्स या फिर बायोडावर्सिटी कंजर्वेशन ऑफ कोस्टल एरियाज एंड सस्टेनेबल लाइवलीहुड्स कैन गो हैंड इन हैंड या फिर नेट मेकर्स इन द रीजन आर नाउ बींग ट्रेंड टू स्टिच स्क्ट इसमें तो कोई डाउट नहीं होगा ठीक है बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन ऑफ कोस्टल एरियाज एंड सस्टेनेबल लाइवलीहुड्स गो हैंड इन हैंड ये भी हमने पढ़ा था उसमें इसका आंसर होगा जहां तक ऑप्शन ए मेट विद इनिशियल का मतलब ही क्या होता है डाउटफुल ठीक है जहां पे डाउटफुल होता है इसका मतलब मेट विद इनिशियल डाउट दैट इन दिस इंपॉर्टेंट फिश लैंडिंग सेंटर द इनिशिएटिव हैज गोन अ लॉन्ग वे ठीक है ससेप्टिसिजम का मतलब होता है डाउट ओके okay? सो दिस वॉल ऑल अबाउट टूडेज सेशन आई होप दैट यू हैव गेंड समथिंग फ्रॉम द सेम एंड आई होप कि आप इनकी प्रैक्टिस करेंगे जो भी आपको कॉम्प्रीशंस मिलते हैं थोड़ा सा देखिए जो कि थोड़े हायर लेवल्स के हैं राइट जैसा नहीं कि सिर्फ आपको वन वर्ड्स में ही आंसर ढूंढना है आपको उसकी थोड़ा नॉलेज होगी कॉम्प्रीशन को अच्छे से पढ़ोगे ऐसे कॉम्प्रीशंस को आप तभी सॉल्व कर पाओगे राइट मैंने आपको जस्ट एक हिंट दिया है कैसे आपको अप्रोच करना है पहले क्वेश्चन के क्वेश्चन को पढ़िए उनके जो की वर्ड्स है वो नोट करके उसको कॉम्प्रीशन में ढूंढिए देन उसके बाद में अपने कॉम्प्रिहेंशन को अच्छे से रीड करिए एक दो बार जो भी आपको लगता है देन उसके बाद में क्वेश्चन को सॉल्व करिए साथ साथ में राइट सो दिस शुड बी द राइट स्ट्रेटेजी इसको इंप्लीमेंट करिए देन देखिए वट विल बी द डिफरेंस दैट यू आर गेटिंग इन योर प्रिपरेशन ओके मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में टिल देन टेक केयर बाय बाय जय हिंद जय जाह भारत